Action! आज से करीबन 30 साल पहले मैंने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से अपनी एक्टिंग का कोर्स पूरा किया और उसके बाद कई वर्षों से मैं टेलीविजन और सिनेमा से जुड़ा रहा हूं। मैंने कलाकार के रूप में, डायरेक्टर के रूप में, प्रोड्यूसर के रूप में यहां पे बहुत सारी चीजें की हैं। ये कौन है बीर? Who you talking to? Yeah. I'm Anjali Sega. His wife. I'm the general manager of the hotel, Lavender Kapoor. You can call me Love Kapoor. Gulabo. Ji. मेरा नाम है जी। First of all, let us begin by applauding the two lovely couples, Adi and Ria, Anushka and Jay. The wedding pulao. और इतने सालों के अनुभव के बाद मुझे यकीन हो गया कि किसी भी कलाकार को, चाहे वो सिंगर बनना चाहता है, चाहे वो एक्टर बनना चाहता है, या फिर वो किसी और क्षेत्र में आना चाहता है, उसके लिए ट्रेनिंग का होना बहुत जरूरी है। इसी ख्याल को मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा कि ITA स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की स्थापना करें, जिसके अंदर एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग और अब तो कोरियोग्राफी भी जोड़ दिया गया है, वो सब एक छत के नीचे सिखाया जाए। व्हाट इज एक्टिंग? एक्टिंग बाय डेफिनेशन इज रियल बिहेवियर इन एन इमेजिनरी सर्कमस्टेंस। या ट्रूथफुल, आइड से ट्रूथफुल बिहेवियर इन इमेजिनरी सर्कमस्टेंस। कहाँ जा रही हो? मुझे टाइप करना है और भी बहुत काम है मुझे। कुछ काम नहीं करना है तुम्हें, यहाँ रुको। उस दिन पार्टी में कौन था तुम्हारे साथ? कौन सी पार्टी, कौन से दिन? फ्राइडे शाम को हॉलिडे इन में। कौन था वो लड़का? जो भी था, तुम्हें क्या मतलब? खेल खेलती हो, वो भी मुझसे? फियांसे था मेरा और शादी कर रही हूँ उससे, और क्यों ना करूं? तुम होते कौन हो? Did you have the guts to tell your family about me? I didn't think so. I'm done. If a painter is an artist, a dancer is an artist, a musician is an artist, singer is an artist, they all do a lot of riyaz. So, what is that riyaz that actors should do to be called artists? Acting is not only an art, it's art and craft. Art and craft ka combination hai. डाक खाने में है आज, उफ कितना हुजूम। डाक खाने में नुक्ता है उसके नीचे ना, तो वो नुक्ता लगाना बहुत जरूरी है। Why is voice, speech and diction such an important subject at ITA? We get a lot of people from various parts of the country, तो उनके अपने strong regional dialects होते हैं, तो वो हिंदी भी उसी dialect में बोलते हैं, which is fine, but that limits the character or the role. When it comes to a role itself, then you have to select which one of those things you want to apply, and there is no one way of doing it, there is no one method of doing it. No director actually wants to get involved in your process, most of the directors, and they just want the result. So how you produce the result is up to you. Some people are naturally gifted, but that's not enough. I think you should do some practice. And going to the gym alone is not that practice. So movement karte karte hai, we unlock each and every emotions. To wohi emotions hum acting mein bhi use karte hai. Bahut sare film ke aur television ke stalwarts yahan aakar aksar master classes aur special classes karte hain, jaise Rahul Ravel sahab jo bahut bade director hain, संजय गुप्ता जो डायरेक्टर हैं, गुलशन ग्रोवर, महिमा चौधरी, राकेश बेदी, रोहित आशगौर, और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग समय समय पर आकर स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं, उन्हें अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। उसी तरह सिंगिंग के अंदर भी अलका याग्निक जो है हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अनूप जलोटा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं,
रूप राठौड़ जो गज़लों के अंदर अपनी एक महारत रखते हैं, जतिन ललित, अनु मलिक और सलीम, और मुझे खुशी है कि उनका एक्सपीरियंस, उनका तजुर्बा जो है हमारे स्टूडेंट्स को मिलता है। रियाज एक सिंगर के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक बॉडी के लिए खाना। जिस तरह हम बॉडी को मेंटेन करने के लिए वर्कआउट करते हैं, उसी तरह गले को मेंटेन करने के लिए रियाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना सांस लेना ज़रूरी है उतना ही रियाज ज़रूरी है। जो श्रुतियों का जो काम होता है कि एक तो सात सुर हम समझते हैं कि सा रे गा मा पा धा नी सा, लेकिन सा रे जो सा कोमल रे है उसके बीच में भी जो है कई श्रुतियाँ हैं, तो वो श्रुतियों पे जो है वो उसके लिए गुरु की ज़रूरत होती है। खामोशियाँ आवाज़ है तुम सुनने तो आओ कभी, तुम सुनने तो आओ कभी। लेकिन क्लासिकल सिंगिंग से प्लेबैक सिंगिंग बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। प्लेबैक सिंगिंग जब आप करते हैं तब आप एक कैरेक्टर के, एक स्टोरी के दायरे में बंधे होते हैं। ऑफ कोर्स वो आवाज़ आपकी होती है लेकिन एक्सप्रेशन से कैरेक्टर के होते हैं। वो कैरेक्टर क्या है, सबसे पहले तो वो कैरेक्टर में आप जाइए, उसका क्या टोन है, वो कौन एक्टर है। तो पुराने ज़माने में इसीलिए ऐसा लगता था जब राजेश खन्ना गा रहे हैं तो ऐसा लगता था कि राजेश खन्ना ही गा रहे हैं। तो ये बहुत ख़ास एक आर्ट है, एक फ़न है जो प्लेबैक सिंगिंग में बहुत ज़रूरी है। ढाई तीन मिनट में आपको एक्सप्रेशन भी देना है, आपका वॉइस का थ्रो भी अच्छा होना चाहिए, सुर भी होना चाहिए, लय भी होनी चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए। सांसों की ज़रूरत है जैसे। हिंदुस्तान का बहुत सारा टैलेंट जो है छोटे शहरों से आता है। मैं खुद एक बहुत छोटे शहर से था, तो उसी दिशा में मैंने एक कोशिश की है कि मैं उस टैलेंट तक पहुँच पाऊँ, उनके शहरों तक पहुँच पाऊँ। इसीलिए हमने जयपुर, इंदौर, पुणे और भी कई शहरों के अंदर अपनी ब्रांचेस को एस्टेब्लिश किया है, ताकि वो लड़का जो वहाँ पे रहता है और आज शायद ये कॉन्फिडेंस नहीं रखता या ये फीलिंग नहीं रखता कि वो इस लायक है कि कल को फिल्म इंडस्ट्री में आके, टेलीविज़न इंडस्ट्री में आके काम कर सके, शायद ट्रेनिंग के बाद उसको वो कॉन्फिडेंस आए और वो यहाँ तक। Now you're going to work on with the V formation. So you're supposed to make a two diagonal lines which intersects and becomes like a V. So you're going to make a V formation where you will keep your feet together, hands out in V, and you're going to do a jazz. इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जब आप आईटीए से पास करते हैं तो उसके बाद आपका हमारा रिश्ता ख़त्म नहीं होता, वहाँ से शुरू होता है। One of the most honorable awards in the television industry, actually the most honorable award. I hope that you will continue to create even greater platforms for people like me and others and other artists to perform on and bring entertainment into your lives. This is a great honor. I very humbly accept this. अगर मुझे पहले पता होता, I knew all it take for me to win an award was to join television. I'm very excited to be at a television award night. My mother is a huge, huge fan of Indian television. I'm truly honored by this award given by the Indian Television Academy. I'd like to thank the Indian Television Academy for giving us this tribute.
मेरे जीवन का पहला पुरस्कार मुझे एक्टर के रूप में इंडियन टेलीविजन एकेडमी से मिला और तब मुझे देश में अपनी इंडस्ट्री में एक अनोखा स्थान दिलवाने में आईटीए की बहुत बड़ी भूमिका रही। आई डोंट थिंक एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविजन देयर हैज बीन अ वोटिंग वेयर मोर देन 1 करोड़ पीपल हैव वोटेड। इट शोज द पावर ऑफ टेलीविजन। मोस्ट ऑफ ऑल वुमेन पावर टू बी हियर विद Anu Ranjan and Smriti ji and Ekta there in the audience. This is an amazing industry to be a part of. Thank you, Indian Television Academy. आज मुझे बेहद खुशी है कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर वर्ग की महिला को सम्मानित किया जाता है। आई एम सो प्राउड टू बी स्टैंडिंग ऑन दिस स्टेज व्हिच इज फेलिसिटेटिंग ऑल दीज वंडरफुल वुमेन अचीवर्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। गॉड मेड मैन एंड वुमन एंड शी मेड देम इक्वल। आई वांट टू से दैट आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू बी हियर। दिस इज ऑलमोस्ट दिस इज बेटर देन एन ऑस्कर।